कई हिट फिल्में दे चुकी ये अभिनेत्री आयशा जुल्का अब दिखने लगी हैं ऐसी, जाने कहां है ये हीरोइन। जो जीता वही सिकंदर और दलाल जैसी फिल्मों दमदार एक्टिंग करने वाली आयशा जुल्का का जन्मदिन 28 जुलाई को होता है। आयशा जुल्का 90 के दशक की टॉप हीरोइनों में गिनी जाती थीं, लेकिन अब वो कहां हैं कोई नहीं जानता। अपने करियर के ऊंचाइयों पर आयशा ने बॉलीवुड छोड़ दिया। आयशा ने शादी के बाद अपना स्पा खोला और अब वो इसी बिजनेस में बिजी हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म कैसे कैसे लोग से की थी। इस फिल्म से उन्हें बॉलीवुड में पहचान दी थी। आयशा ने साल 1991 में अपनी सबसे पहली हिट मूवी दी थी। इसके बाद तो आयशा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक एक बाद हिट देती गई और डायरेक्टर्स की पहली पसंद बनती गई। साल 1992 में फिल्म जो जीता वही सिकंदर में उन्होंने आमिर खान के साथ किया। इस फिल्म ने उनके करियर को शिखर पर पहुंचा दिया था। इसी साल उनकी फिल्म खिलाड़ी आई। फिल्म में अक्षय कुमार और आयशा की जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा। उस दौरान अक्षय कुमार और आयशा जुल्का के प्यार के चर्चे भी खूब थे। दोनों की जोड़ी फिल्म वक्त हमारा है में भी एक साथ काम किया था। फिल्म दलाल के दौरान आयशा एक बहुत बड़े विवाद में फंस गई थी। ये फिल्म बहुत हिट रही थी, लेकिन फिल्म में आयशा जैसी दिखने वाली हीरोइन से कुछ हॉट सीन करवाए गए थे, जिससे उनकी छवि पर काफी असर पड़ा था। यह विवाद कोर्ट तक भी गया था। इसके बाद आयशा का करियर बहुत तेजी से नीचे गिरा। वक्त हमारा है और मेहरबान उनकी आखिरी फिल्में मानी जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गलत निर्देशकों के चयन की वजह से उनका करियर डूब गया। इसके तुरंत बाद ही आयशा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। साल 2003 में आयशा ने कंस्ट्रक्शन टाइकून समीर वाशी से शादी कर ली। अब वो अपने पति के साथ ही उनका बिजनेस संभालती हैं। इसके अलावा आयशा का अनंता नाम से एक स्पा पार्लर भी है, साथ ही उनकी एक एडिशन नामी क्लोथिंग कंपनी भी है। अब आयशा लाइमलाइट से दूर गुमनामी की जिंदगी में जी रही है, हालांकि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं।